कस्टर्ड आलू बनाएंगे, लेकिन हम इसमें ना स्मोकी फ्लेवर नहीं देंगे, बस इसको एक वो जो है ना हम इसमें टिक्का मसाला वगैरह डाल के हम अपना चिकन जो है वो रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने ये चिकन जो था मैंने फ्रीज था, इसको थोड़ा थोड़ा खुला हुआ था तो खुल नहीं था, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा बॉयल कर दिया तो अभी खुल गया। अब मैं जो है ना इसमें क्या डालूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने डाला है दही है मेरे पास तकरीबन 1 कप, और इसमें मैंने डाला है टिक्का मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, और हल्दी थोड़ी सी डाली है, सॉल्ट डाला है, और इसमें थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने इसमें, और इसको अब जो है इसके अलावा जो इसमें और भी बहुत सारा कुछ डाला हुआ है, ज़ीरा है, सूखा धनिया पाउडर है, और इसके अलावा इसमें है हरी चटनी भी मैंने डाली हुई है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है मिला के मैंने इसको जो है सिरका भी थोड़ा सा डाला है तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा जो मैंने डाला था वो मैं शूट करना बीच में मेरी वीडियो ख़राब हो गई थी वो मैं दिखा नहीं सकी, तो मैंने इसमें डाला था पेपरिका पाउडर भी डाला था, एक टीस्पून डाला था कलर के लिए, क्योंकि उसका जो फ्लेवर उसका कलर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो वो और वो ज़्यादा जो है वो उसका जो फ्लेवर होता है तेज़ नहीं होता कि वो जो है ना देखने में तो लगता है कि बहुत तेज़ होंगी लेकिन वो तेज़ नहीं होती, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो वो मैंने एक टीस्पून वो भी डाली थी, और इसको हम पका लेंगे लो फ्लेम पे। बहुत आपको बताती हूँ कि अगर आप चिकन आपके पास है थोड़ा सा गर्म भी है तो आप उसको शर्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक फोक लेना है और साथ में स्पून लेना है, और इसको ना ऐसे करके ना खींचते रहना है फोक के साथ ना खींच खींच के, आपने इसको सेपरेट आउट करना है सारा जो चिकन है ना ऐसे, इसको आप ऐसे शर्ट कर लें, बहुत ईजी है और जल्दी भी हो जाता है। इस तरह आप कर लें, अगर आपके पास नाइफ है तो नाइफ के साथ कर, नाइफ से ले लें, इस तरह आप करते जाएं। ये मैंने जो है डो ली है, इस डो में जो है रेड आटा जो होता है हमारे पास, ब्राउन जिसको जो होता है उस वो कम है, और वाइट आटा जो है इसमें ज़्यादा है। तो इसको मैंने डो को बना लिया था, थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था इसे, और अब जो है मैं इसे जो है पराठों की जो है वो बॉल्स बनाऊंगी और उनको हम जो है स्टफिंग करना शुरू करेंगे। मैं अब आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ, पहले मैं पेड़े बना लूँ, एक मैं पेड़ आपको बना के दिखा देती हूँ। हमें छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, बहुत बड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमने इसको ना ग्रिल पैन में बनाना है, अपने पैन के अकॉर्डिंग हमने जो है इसे बनाना है, बहुत बड़े बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं हमने ना, इस तरह हमने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। ये देखिए इस तरह की जो है हमने अपनी जितनी भी वो बॉल्स थी वो बना ली आटे की, और अब हम इनको बेलना शुरू करेंगे और इनकी स्टफिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह की इसको इस तरह कर लेंगे और इसको जो है अब हम बेल लेंगे, हल्के हाथों से बेलना, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बेलना नहीं तो आपकी रोटी जो है ना चिपक जाएगी ऐसे उतर उतर के ना, और ना ही बहुत ज़्यादा खुशका लगाना है, मेरे से पहले स्टार्टिंग में लग गया ज़्यादा लेकिन आपको खुशका ज़्यादा नहीं लगाना है, और मैं भी नहीं अब ज़्यादा लगाऊँगी, हमें बेल के रखनी है सारी रोटियाँ जो है ना इन सबको हमने बेलते जाना है और स्टफ करते जाना है। पहले हम बेल लेंगे इन्हें इस तरह करके ऐसे इसको पहले थोड़ा सा हल्का सा हम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना वो फिर ना हमारे पराठे सख्त बनेंगे। हमने ये तकरीबन 3 पराठों के लिए जो है हमने इनको बेल लिया है, तो अब हम पता क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो है चिकन डालेंगे इस पर। मैं स्पून ले लेती हूँ, स्पून की मदद से डालती हूँ, फिर कलर लगता है सबको सही होता है। ये थोड़ी सी मैंने इसमें फिलिंग डाली, थोड़ी सी और डालूंगी ताकि जो है इक्वली बैलेंस हो जाए जब हम इसको बेलें। ये आ गया, थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं, ये फाड़ लेगी, ठीक हो गया, और थोड़ा सा डाल देते हैं, ये हमारी चिकन की फिलिंग आ गई है, ठीक है। और अब हम इस पर थोड़ी सी अपनी चीज़ डालेंगे, ये हमने चीज़ श्रेड करके रखी हुई है, मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, इसको मैंने श्रेड करके रखा, ये हम थोड़ी सी अब डाल देंगे,
स्प्रिंकल कर देंगे, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। और इसके किनारों पे हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जो आटा है उसके अंदर नमक नहीं था, ये हमने जो है आम यूज़ के लिए जो गूंदा हुआ वो है इसमें, बस मैं थोड़ा सा वाइट आटा मिला के थोड़ा सा गूंद दिया ताकि जो है एक हमारे जो पराठे हैं वो थोड़े से क्रिस्पी बने। तो हम ये थोड़ा सा इसके किनारों पे नमक लगा देंगे ताकि जो है इसका फ्लेवर ख़राब ना हो। और अब हम इसको कवर कर देंगे इसके साथ, जैसे आम पराठे को करते हैं अच्छा से कवर कर देंगे। और आपने जो है चिकन का मॉइस्चराइज़र जो है वो सारा ख़त्म करना है, वरना जो है ना आपका पराठा वो किसी काम का नहीं रहेगा। और अब हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे, हल्का सा मुश्किल लगा लेते हैं। मेरे पैन को गर्म होने के लिए रख के और हम इस तरह अपने पराठों को बेल लेंगे। बहुत इजी और आराम से बन जाएंगे आपके पराठे, परेशान होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अब इसी तरह हम सारे पराठे जो हमारे तीनों पराठे को स्टफ कर लेंगे, फिर हम इन्हें पकाने शुरू करते हैं, बल्कि भी बनाते हैं। बस ये मैं स्टफिंग कर लूँ, फिर मैं और जो है अपना फिर ये इन पराठों को हम पकाते हैं। इनको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, इनको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये हम एक पराठा तो एडजस्ट हो जाएगा। चलिए जी अब हम बाकी के मैं पराठे बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। पराठा है, हमने इसको बेल लिया, इसको स्टफ़ भी कर लिया। इस स्टेप पे जो है हम इसको अपने ग्रिल पैन में डाल देंगे। ग्रिल पैन को हम पहले थोड़ा सा प्रीहीट कर लेंगे ताकि जो है कुकिंग प्रोसेस हमारा नेक्स्ट जो है वो आसान हो जाए। तो अब जो है हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल से पकाना चाहते हैं तो ज़्यादा ऑयल यूज़ कर लें, अगर कम पसंद करते हैं तो कम कर लें। हमने नॉर्मल डाला था, ना हमें ज़्यादा पसंद है ना कम, तो हमने नॉर्मल रख के इसको पकाया था। और इसको हम फ्लिप करते जाएंगे और ऑयल डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे, यहाँ तक ही था आगे प्रोसेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आम पराठे बनाते हैं, तो इस कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बस आप अपनी मर्ज़ी से बनाए। अगर आप इसको सिंपल तवे पे भी बनाना चाहते हैं तवे पे बना लें, और जैसे आपको दिल करे आप इसको बनाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको इंजॉय करें जैसे आपका दिल करता है। बहुत मज़े के बनते हैं ये, बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसमें हमने चीज़ भी ज़्यादा नहीं रखी ताकि बहुत ज़्यादा ये हैवी भी ना हो, नॉर्मल चीज़ रखी थी। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ स्टफ़ करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ भी स्टफ़ करना कर सकते हैं इसमें। तो यही थी हमारी आज तक की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और आप मुझे इजाज़त दीजिए। और ये जो है इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती चलूँ, ये हमें हमारे पराठे की जो है फ़ाइनल लुक है और इसकी अंदर से स्टफिंग देख लें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
बताइए कैसा लगा पराठा आपको? वेरी टेस्ट, थैंक यू। मजे का। जो भी बताइए कैसा लगा आपको पराठा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी है।